तीसरी अर्जी वो जो बैठा हुआ है एक सबसे पीछे बालक बैठा गले में लाल रंग की तौलिया डाल करके बैठा हुआ है। जय सीता आ जाओ। दूसरी अर्जी, अर्जी उसी की स्वीकार होती है जो राम नाम का जप करता है, राम नाम की भक्ति करता है। जय सीताराम। तुम अपना पर्चा लाए हो ना? हाँ, तो यहाँ बैठ जाओ, तुम्हारी अर्जी इसलिए वहां बैठ जाओ, तुम लोग वहां बैठ जाओ, भाई उसको दे दो। नहीं तुम नहीं, आप लोगों की तो अर्जी लगी है, तो वहां बैठो ना, थोड़ी बाधा के लिए बुलवाई है, बाला जी का आदेश आया है, इसलिए यहाँ बैठो तुम लोग। आपको बोलो सीताराम मूर्ति बांधो दोनों लोग। सीताराम गुरु जी। सीताराम कैसे हो, कहाँ से आए हो? गुरु जी मैं रीवा का हूँ, बिहार के यहाँ से। अच्छा, मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ मिक्स कॉलेज में। हाँ जी, बालाजी के चरणों में क्या अर्जी लेकर के आए हो? जब मैं आज सुबह उठा तो मेरे को नया टाइम पे गया, तो मेरे को लगा कि आज मैं सीधे सा काम जाता हूँ। अचानक से मैं मन बना, तो मैं अपने जीजा ही साथ आया था, उसको बोले चलते हैं, तो उसके बाद मैं यहाँ आया। फिर मैं यहाँ आया, फिर यहाँ गया, अर्जी लगाई मेरी जॉब के लिए कैसे के उस पर। अच्छा, नारे तुम बिगड़े भी आप हो। तुम्हारी समस्या तो बड़ी जटिल है, तुम तो दिल के मारी हो। बोलो सीताराम, बोलो हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, सन्यासी बाबा की, सनातन धर्म की, सनातन के शक्तियों की, सब संतों की, सब संतों की, बालाजी सरकार की। तुम्हारी समस्या तो 66,000 वोल्टेज वाली है, क्या किया जाए? 5,000 में निपटाते हैं, फिर 11,000 तक की, 66,000 तक अगर कहेंगे तो तुम तो फिर सुन नहीं पाओगे। है तुम्हारे ऐसे कर्म ही है इसमें, तुमको पता भी होगा, तुम्हारे ऐसे कर्म है, तुमको पता भी होगा। पता है कि हम बता दें, क्योंकि 66,000 में बताएंगे तो शायद तुम पेशी भी नहीं करोगे, हमको पता है। बाहर जाकर हमको खूब गाली दोगे, कहां से गई है तो 25 रुपया वाला नारिया तो खाए तो लिया प्राण है। चलो नहीं बताएं कुछ, चलो पूछो क्या अर्जी है, हम बता रहे। इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ। हमने तुम्हारी अर्जी लिखी है, बहुत परेशान है, घर में थोड़ी दिक्कत है, मन में अशांति रहती है, मन बहुत ज्यादा विचलित रहता है, घर की समस्या थोड़ी जटिल रहती है, घर को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कतें, मन बिजली जैसे रहता है, अपने करियर अथवा सफलता जैसे का प्रश्न लेकर के आए हो, घर में बीमारी जैसे रहती है, किसी न किसी को बीमारी रहती है, डॉक्टर के यहाँ से छुटकारा बिल्कुल नहीं पा रहे हो, और तुम थोड़ी अभी बीच में बहुत गलत लाइन संगत जैसे भी पकड़ लिए थे, गलत लाइन तुम्हारी संगत चली गई थी, हनुमान जी की कृपा होगी, धीरे धीरे पूर्ण आराम मिलेगा। दूसरे की भी अर्जी लेकर के आए जाओ बाला जी। इधर आओ, बोलो बालाजी सरकार की। माइक लो जरा, गलत तो नहीं बता देंगे, झूठ तो नहीं बोले यार, बता दो तुम बीच का कौन से कार्य पे पड़े। हाँ, तो इसीलिए तो समस्या है तुम्हारी जिंदगी में। बोलो सीताराम, बोलो हनुमान जी महाराज की, ठीक है हनुमान जी का आदेश आ रहा, आज से ही सेना प्रारंभ हो जाएगी, समाधान होना चाहिए। इसमें जप लिखा है, प्रतिदिन एक माला जप करना है, धाम की पेशी करना है,
नियम का पालन करना है। बोलो सीता राम चंद्र भगवान की जय। सरकार की जहां से तुम्हारी सोच खत्म होती है, ध्यान रखना, जहां से तुम्हारी सोच खत्म होती है वही बालाजी की जिंदगी शुरू होती है। तुम क्या सोच के आते हो, तुम रोटी नहीं खेलते, हनुमान जी के शिष्य बालाजी की सेवा करते हैं। तुम कभी संत विश्वास में मत रहना कि दुनिया हमारे बारे में उसी को मिलती है जिसकी ताली बजती है, ये ध्यान रखना। तो लोगों का मन है, लोगों का भ्रम है, और लोग हैं जब भगवान राम की लोगों ने निंदा की, भगवान कृष्ण की लोगों ने निंदा की, और शंकर जी की निंदा की, तो भगवान को केवल एक ही शब्द कहते हैं कि बेटा निंदा उसी की होती है जो जिंदा रहता है, हम तो अपने आप को जिंदा मानते इसीलिए निंदा होती है। और लोग हैं क्योंकि छपता वही है जो चमकता है, ये ध्यान रखना। दुनिया में उतरता वही है, दुनिया में उतरता वही है जो चमकता है। तो गाइस कैसी लगी आज की मेरी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस मैं इसी तरह वीडियो बना के आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तो गाइस मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय, जय सीताराम।